ठगी करने का नया मामला उजागर। व्यापार के बहाने गांव में आकर आदिवासी गरीब महिलाओं को भरोसे में लेकर बनवाया गट। पहले दिलाया भरोसा, फिर दिया ठगी को अंजाम। तुमसर तहसील के आदिवासी बहुल ग्राम सुंदर टोला का मामला। एक महिला ने ही अनेक महिलाओं को लूटा। गौरतलब हो कि अचल के ग्राम सुंदर टोला में ज्योति निखाड़े नामक महिला तुमसर से पिछले 3-4 वर्ष से क्षेत्र में कपड़े का व्यापार करने आया करती थी। उसी दौरान वह महिला ग्राम सुंदर टोला में नियमित आने से वहां की महिलाओं से अच्छे से परिचित हो गई थी। इसी परिचय का सहारा लेकर उक्त महिला ने ग्राम के आदिवासी एवं गरीब आदिवासी महिलाओं को महिला बचत गट तैयार करने की सलाह दी। महिला बचत गट से महिलाओं को मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी, जिससे ग्रामीण महिलाओं ने अपना बचत गट बनवा कर ज्योति निखाड़े के संपर्क भारत फाइनेंस कंपनी से लोन उठाया। लोन उपलब्ध करवाने के पश्चात उस ठग महिला ने भोली भाली ग्रामीण महिलाओं का भरोसा जीतने के लिए लोन उपलब्ध से लेकर अदायगी तक सारी प्रक्रिया स्वतः कर भरोसा जीता। लेकिन जून 2023 में भारत फाइनेंस कंपनी के अभिकर्ता बचत गट वाली महिलाओं के पास आए और उन्हें बताया कि उनके ऊपर 4 से 8 तक फाइनेंस कंपनी के लोन के पैसे बकाया है। यह बात सुनकर सारी महिलाएं स्तब्ध रह गई। ग्रामीण महिलाओं के अनुसार फाइनेंस कंपनी से सिर्फ एक लोन लेने के अलावा उन्होंने ना ही कोई लोन उठाया और ना ही किस्तें भरी। कर्जे की राशि बकाया जानकर ग्रामीण महिलाओं ने ज्योति निखाड़े से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन संपर्क हो ना सका। तब जाकर भोली भाली ग्रामीण महिलाओं को यकीन हुआ कि उनके भोलेपन का फायदा उठाकर ज्योति उमेश निखाड़े ने उनके साथ ठगी को अंजाम दिया है। महिला ज्योति निखाड़े के खिलाफ गोबरवाही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। ज्ञात हो कि जब भी बैंक लोन के फॉर्म भरना हो या राशि का लेन देन का व्यवहार करना होता, तब ठग महिला द्वारा मेरी RD के काम के लिए, कभी LIC के काम के लिए तो कभी लोन का सर्वे, ऐसे विभिन्न कारण बताकर बैंक की प्रोसेस किया करती थी। ग्राम सुंदर टोला के आदिवासी महिला, जिनमें सुमन तड़गाम के साथ 53,000, कविता धुर्वे के साथ 30,000, सुग्रता उइके के साथ 55,000, वच्छला वरकड़े के साथ 62,000, अंजना मरकाम के साथ 47,000, प्रभा सोनटक्के के साथ 33,000, दुर्गा शेंडे के साथ 51,000, कल्पना शेंडे के साथ 49,000, प्रमिला सोनटक्के के साथ 56,000, सौजाबाई इनवाते के साथ 51,000, रंजू वरकड़े के साथ 50,000, उषा मरसाम के साथ 19,000 और मनीषा चौधरी के साथ 40,000, ऐसे कुल लगभग 6 लाख रुपयों की ठगी की गई है। उक्त महिलाओं ने बताया कि फाइनेंस कंपनी के लोन के 1 रुपए का भी लाभ उन्होंने नहीं उठाया और अब जब पैसा लिया ही नहीं है तो देंगे कैसे। उपरोक्त सारी गरीब महिलाएं अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए रोजाना कसरत करती है, तब जाकर पेट भरती है। उन पर मानो कर्जे का पहाड़ आन गिरा है, ऐसा महसूस महिलाएं कर रही है। उपरोक्त संदर्भ में महिलाओं ने ज्योति उमेश निखाड़े नामक महिला की तरफ से कर्जा अदायगी होने की बात कही। उपरोक्त मामले की जांच गोबरवाही पुलिस कर रही है। आमच्या गावामध्ये एक बाई येत होती, ती एक तिचा कपड्याचा व्यवसाय होता आणि ते चांगले म्हणजे काही दिवसपर्यंत चांगले आमच्यासोबत संबंध बनवलं तिनं आणि त्याच्यानंतर ते आम्हाला म्हणत होती की गट तयार करा। गट तयार केला आणि आम्हाला म्हणाली की तुम्ही लोन उचलता का, आम्ही म्हणा आम्हाला आहे जरूरत ते आम्ही उचलून, आम्ही तिले म्हणला तर तिनं आम्हाला लोन उचलून दिलं। उचलून दिल्यानंतर तिनं ते लोन उचलल्यानंतर तिनं आमच्या नावानं पहिला लोन खंडला आमचा, तर तिनं ते जो मग 2 आणखी 2-3 असे लोन होते तर तिनं आपल्या स्वतःसाठी उचललं। ते स्वतःचे जो लोन आहेत ते त्या बाईनं परतफेड केलं नाही। ज्योती उमेश निखाडे तिचं नाव आहे आणि ते तुमच्या ती राहणारी आहे आणि ते जेव्हा एजंट लोक जे जो पैसा देणारे लोक एजंट लोक ते आमच्या घरी येत तेव्हा आम्हाला माहीत झालं की आमच्यावर 5-5, 6-6 लोन आहेत। तर ते बाई आमच्याशी आमच्याना या साईंना असे पैसे काढून घे आणि पैसे काढून घेतल्यानंतर ती आता जेव्हा आमच्यावर अशी पाडी आली की आम्हाला पैसा भरायचा मुसीबत आली तर त्या बाईला आम्ही फोन लावून त्याने फोनही लावला तर ती फोन उचलत नाही होती ना। फोन अशी
स्विच ऑफ करून ठेवे माहित नाही का करून ठेवे तर पण तिनं फोन नाही उचललं कधी. इतर 4 वर्ष म्हणजे तिनं ह्या गावामध्ये सगळ्यासोबत चांगला आपला परिवार सारखा संबंध तयार केला. एका एका बाईवर एका बाई कोणीवर 6 लोन आहेत, कोणीवर 8 लोन आहेत, कोणीवर 4 आहेत, कोणीवर 5 आहेत, 3 आहेत, असे आहेत. पण आता भरू नाही शकत राहिले. आता 700-800 रुपये कमवून राहिले आहेत ना, तो लोन भरतील कसा? आणि एजंट लोक म्हणतात का पैसाच पाहिजे. कोणाची 1400 रुपये किस्त आहे, कोणाची 1700 आहे, कोणाची 1200 आहे, असे हे आता बाया भरू नाही शकून. आता आपलं पोट आपले लेकरा बारा पालतील का, आता पैसा भरतील हा विचार येऊन राहिला आहे. आणि मग आम्हाला काही असं म्हणजे आम्हाला असं सुचलाच नाही काही. मग आता आम्ही का करू बापा? आम्ही सगळ्या बायांना सोडला, विचार केला आणि गेला आम्ही चौकीमध्ये. तर सर लोकायला सांगितला तर त्यांना आमची रिपोर्ट घेतला. मग भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है. अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है. BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है. हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर.